हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों का अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है या होने वाला है या अभी तक वो 500-600 सब्सक्राइबर के आसपास हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पूरा देखिए बिकॉज ये एक अपडेट वीडियो है जो कि यूट्यूब के अपडेट के बारे में, प्लस एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स ने सही तरीके से नहीं बताया है, मैं इस वीडियो में आप लोग को वो बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल अब जाके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, प्लस चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। तो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर 1000 कराए, प्लस मेरा वॉच टाइम भी 4000 करा दिया। तो अभी मैं काफी और एनर्जी के साथ वीडियोस बनाऊंगा, तो अब चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सो जो लास्ट यूट्यूब का अपडेट आया हुआ है मोनेटाइजेशन के लिए, वो ये है कि आप लोगों को कंप्लीट करना है 4000 घंटे का वॉच टाइम, प्लस 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए चैनल पर। उसके अलावा जो है वो है 2-step वेरिफिकेशन एंड नो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं होना चाहिए जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को भेजेंगे। 2-step वेरिफिकेशन में आई थिंक किसी को कोई इश्यू नहीं आएगा। तो अभी हम बात करते हैं जो बाकी सारे यूट्यूबर आप लोगों को बताते हैं कि आपको लास्ट 365 डेज में कंप्लीट करना होता है अपने 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि गलत है। जी हाँ, ये गलत है। YouTube वालों ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कि आपके 1000 सब्सक्राइबर प्लस आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए 365 डेज में। उन्होंने जो बोला है वो ये बोला है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए प्लस आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको 365 डेज में कंप्लीट करना है। उसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूं, बिकॉज जब मैंने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था या उधर से जब मेरे को अपडेट आया था कि अब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर अराउंड 930 थे। लास्ट वन ईयर की बात कर रहा हूं। अगर मैं टोटल सब्सक्राइबर की बात करूं तो मेरे 1000 हो गए थे, ऑब्वियस सी बात है उसके बाद ही आएगा। अभी मैं आप लोगों को अपना स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जो कि मैंने आज लिया है और मेरा चैनल को मोनेटाइजेशन हुए 10 दिन हो गए हैं। तो अभी आप लोग इसमें देखिए लास्ट 365 डेज में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 958 हैं और अभी 10 दिन हो गए हैं, तो मतलब पहले 930 के आसपास थे जब मैंने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था। सो जो काफी सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि आपको इतना घंटे का वॉच टाइम प्लस इतना आपका सब्सक्राइबर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो वॉच टाइम है बस वो डिक्रीज होने लगता है एक साल के बाद। सपोज आपका एक साल में वॉच टाइम हो गया अराउंड 4000 से थोड़ा बहुत ऊपर एंड आपके जो सब्सक्राइबर है वो 950 960 है, तो वो 960 रहेगा उधर आपके आने वाले दिनों में, बट जो वॉच टाइम है तो जो नया वॉच टाइम है वो ऐड होने लगेगा और जो पुराना वॉच टाइम है उस दिन का वो माइनस होने लगेगा। तो वो ओवरऑल अराउंड उसके आसपास ही रहेगा, बिकॉज जब आप चैनल चालू करते हैं उस टाइम पे आपको वॉच टाइम बहुत कम आ रहा होता है और अभी एक साल बाद वॉच टाइम बहुत ज्यादा आ रहा होता है। तो वो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए कि आपका वॉच टाइम कंप्लीट कैसे होगा, आप लोग फोकस रखिए कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करने अपने जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने अपने चैनल पे वॉच टाइम कैसे कंप्लीट किया, बिकॉज आप लोग देख रहे होंगे इस स्क्रीनशॉट में कि मेरा जो वॉच टाइम है वो अराउंड 5700 के आसपास था जब मेरा मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अपने चैनल को भेजा है। तो आप लोग को अगर वो देखना है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर ट्राई करूंगा आप लोग को बताने के लिए कि क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आपके 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो। और जेन्युइन सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूं, बिकॉज बहुत सारा झोल है इसमें, किसी और वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं पता ये उनके लिए है, जिनको पता है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो जिन लोगों के चैनल पे अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए या उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ बट फिर भी उनके चैनल पे एड्स आ रहे हैं, तो वो एड का जो रेवेन्यू है वो पूरा यूट्यूब को जाता है, आपके पास कुछ नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कोई कंफ्यूज है कि मेरे चैनल पे एड क्यों आ रहा है, या दूसरा बंदा कंफ्यूज है यार इसके तो 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं है इसके चैनल पे एड कैसे आ रहा है, तो उसका मतलब यही है जो भी उससे रेवेन्यू आ रहा है वो यूट्यूब को जा रहा है, आपके पास कुछ नहीं आ रहा है। तो बस आप लोग का मेन फोकस होना चाहिए कि कितना जल्दी से जल्दी आप अपने 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम प्लस अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज पाए, उस पर अपना फोकस रखिए। आई थिंक जो मैंने अपडेट दिया है 1000 सब्सक्राइबर को लेके वो लोग आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ, आप लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.